फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग्स कैसे की जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे काम करती है और फ्यूचर ट्रेडिंग किन्हें करनी चाहिए किन्हें नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना रिस्क हम ले सकते हैं या फिर कितना रिस्क होता है फ्यूचर ट्रेडिंग को करने में, एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में मिनिमम कितना फंड हमारे पास होना चाहिए, एक्सपायरी कैसे काम करती है फ्यूचर ट्रेडिंग में, और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी भी कॉइन में अपनी पोजीशन लेने से पहले उसको इनके बारे में रिसर्च करते हैं। अब मान लीजिए आपने जिस भी कॉइन के बारे में रिसर्च किया है उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको लग रहा है कि कुछ इस प्रकार से होने वाला है अप एंड डाउन, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं काफी ज्यादा इस कॉइन का जो मूवमेंट है वो मुझे दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, यानी कि आप बेरिश हैं जिस भी कॉइन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उस पर। सो उस कंडीशन में आपको एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी होगी क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो कॉइन है ये नीचे की तरफ जाने वाला है, इनकी प्राइस ड्रॉप होने वाला है, सो आप बेरिश है। जब भी आप बेरिश रहते हैं उस कंडीशन में आपको एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और आपके डायरेक्शन में ही अगर जो कॉइन है उसका प्राइस जाता है सो आपको एक भारी सा जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल यूज किया, कितना आपने लेवरेज लिया है। दूसरी कंडीशन, आपने किसी भी कॉइन पे रिसर्च की और आपको लग रहा है कि ये जो कॉइन है इसमें कुछ इस प्रकार से जो प्राइस मूवमेंट है वो होने वाला है, लेकिन अब आप बुलिश हैं यानी कि आपको लग रहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, उस कंडीशन में आपको एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है और अगर आप ही की डायरेक्शन में जो प्राइस है वो जाता है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सिंपल सा है, शॉर्ट तब आप करते हैं जब आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, लॉन्ग आप जब करते हैं जब आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप लॉन्ग करते हैं और जिस भी कॉइन में आपने लॉन्ग किया उसका प्राइस अगर गिरने लगता है, जिस भी रेट पे आपने लॉन्ग किया उससे नीचे आएगा तो आपको नुकसान होने वाला है, और अगर ऊपर जाता 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 है आपकी कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। सेम अगर आपने शॉर्ट किया है यानी कि नीचे की तरफ प्राइस आना चाहिए और अगर बढ़ने लग जाता है तो आपको नुकसान होने वाला है। अब बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके वॉलेट में फॉर एग्जांपल $10 है तो आप $10 से $1,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं और वो कितना लेवरेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे मान लीजिए CoinDCX आपको 10 से 15 गुना जो लेवरेज है वो प्रोवाइड करवाता है, सो फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में $100 है तो $100 से आप $1,000 तक की जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं क्योंकि आपको 10x की जो लेवरेज है प्रोवाइड करवा रहा है। सो जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद में आती है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि आपने जो भी पोजीशन ओपन की है उसमें आपको नीचे एक लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी मार्जिन लिया इस कॉइन में यानी कि जितना भी अपने वॉलेट से पैसे लगाए हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो एक्सचेंज है वो ही आपकी जो पोजीशन है वो बंद कर देगा। जो लिक्विडेशन प्राइस आपको दिख रहा है उस पे अगर आपका प्राइस आता है उस कंडीशन में, अगर वहां तक नहीं आता है तो चिल मारिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सेफ साइड आप हैं। बट अगर आप लेवरेज कम लेंगे तो ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी कि आपका जो फंड है जो भी पोजीशन में आपने यूज किया है वो जीरो हो जाए यानी कि वो लिक्विडेट हो जाए। सो हमेशा लेवरेज कम लीजिए, लालच कम कीजिए, प्रॉफिट को बुक करते रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाए। उसके बाद होता है एक्सपायरी, यानी कि आपने जो पोजीशन ली है लॉन्ग की या शॉर्ट की सो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपकी जो पोजीशन है ये आप कितने दिन, मंथ, ईयर या फिर आप बोल सकते हैं कि वीकली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सो इसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है परपेचुअल, इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, आप जितनी भी टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को आसानी से आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है ट्रेडिशनल, जिसमें आपको एक्सपायरी टाइम देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जब आप अपनी पोजीशन ओपन रखते हैं परपेचुअल में सो आपकी फंडिंग रेट लगती रहेगी। अब फंडिंग रेट आपका एक जो टाइम पीरियड है ना वो पूरा कवर करती है, जैसे कि हो सकता है 8 घंटे 12 घंटे, हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ये टाइम रहता है। सो उसके अनुसार जो फंडिंग रेट जो भी उस समय चल रही होगी, जैसे मान लीजिए 0.0015 के समथिंग चल रही है, सो जो भी आपका साइज होगा पोर्टफोलियो का उस पर जो फंडिंग रेट होगी वो अप्लाई होगी। सो इतनी अधिक फंडिंग रेट नहीं रहती है सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखें कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है उस पे कम से कम जो फंडिंग रेट है वो लग रही है। जैसे बाइनेंस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो अगर आप CoinDCX एक्सचेंज को यूज करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो फ्यूचर ट्रेडिंग की जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है वो एक्सचेंज है बाइनेंस। सो बाइनेंस पे चाहे ट्रेड करो चाहे CoinDCX पे, बात एक ही रहेगी क्योंकि ऑर्डर बुक आपको बाइनेंस की CoinDCX एक्सचेंज पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।